खबरें आ रही हैं विक्की विद्या का वर्ण जो वीडियो है उसको लेके बहुत विवाद हो रहा है और आपका नाम आ रहा है हर जगह कि आप क्लेम कर रहे हैं कि वो आइडिया आपका था। थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, देन वी स्टार्ट द यू नो क्वेश्चन। मेरा नाम संजय तिवारी है और 20 साल से मीडिया में काम कर रहे हैं। हम लोग न्यूज़ एजेंसी है, प्रोडक्शन हाउस है और अभी जस्ट 12 तारीख को एक फिल्म आई थी जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ था, विकी विद्या का वो वाला वीडियो। 12 को ये ट्रेलर रिलीज हुआ, 13-14 को मैंने देखा, एहसास हुआ कि अरे एक स्टोरी कहीं तो कहीं ना कहीं मेरी कॉपी है, जो एक आइडिया है कंसेप्ट है उसका कॉपी दिखा मुझे। तो मैं शशांक जी से मिला, एडवोकेट है, और मैम से मिला और एक लीगल नोटिस दिया हम लोगों ने कि जो आपकी फिल्म आ रही है ये हमारे आइडिया का सेम टू सेम कॉपी लग रहा है। तो ये नोटिस भेजा हमने 21 तारीख को, 21 सितंबर 2024 को, और वहाँ से हमें बालाजी से रिप्लाई आया, ये 21 तारीख को है, बालाजी से आया रिप्लाई, और सेम डेट को नायक एंड नायक जो टी सीरीज को हैंडल कर रहे हैं उनका रिप्लाई आया कि ये कॉपी नहीं, हमारा ओरिजिनल आइडिया है। बट हमको विश्वास था कि हमारा कहीं ना कहीं आइडिया है, तो हमने फिर स्टोरी की और फिर से उनको अप्रोच किया एज ए स्टोरी वाइज। तो 27 तारीख उनको आया कि हमने ये स्टोरी हमने रजिस्टर की है, नायक एंड नायक की तरफ से आया, पूरा डिटेल आया उनका, हमने ये स्टोरी हमारे राइटर यूसुफ अली खान और राज सांडिले जी जो हैं और उन्होंने पुथल पुथल नाम से 27 अक्टूबर 2015 को रजिस्टर किया है और हम उससे फिल्म बना रहे हैं। पहले फिल्म नाम उथल पुथल था, हम इसको ये हमारा कंसेप्ट जो रजिस्टर था उन्होंने बोला, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो उनका रजिस्टर डेट है 27 अक्टूबर 2015, हमारा जो रजिस्टर डेट है वो है 28 अगस्त 2015, उनसे 2 महीने पहले। और इसी का मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं से कॉपी हुई है, क्योंकि एक फिल्म के लिए आइडिया सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक आइडिया होता है जो पूरी फिल्म बनती है, आसपास कहानियाँ बन दी जाती है, फिर 2 भाई, 4 भाई, 5 दोस्त, 10 दोस्त, लेकिन जो कंसेप्ट है जिससे पूरी फिल्म बनती है वो एक सिर्फ 2 लाइन का आइडिया होता है। और आइडिया बिल्कुल सेम था, 100% सेम था कि हस्बैंड वाइफ अपने फ्यूचर जो एक प्राइवेट मोमेंट वो प्राइवेट मोमेंट कवर करते हैं और फिर उसकी डीवीडी बनाते हैं और गलती से वो डीवीडी मिसप्लेस हो जाती है, ये सेम आइडिया है। और ये भी फिल्म जो बना रहे हैं सेम आइडिया है, बाकी कहानी को बड़ी करने के लिए 2 घंटे दिखाएंगे, आदमी बहुत से उसमें कॉमेडी सीक्वेंस डाल देता है और बहुत चीज़ें बढ़ा देता है उसको। तो हमें सिर्फ ये दिखाना है, उन्होंने जो बोला है कि हमारी स्टोरी जो है 27 अक्टूबर 2015 को रजिस्टर्ड है, हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी स्टोरी है वो उससे ठीक 2 महीने पहले 28 अगस्त 2015 को रजिस्टर्ड है। अच्छा संजय जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, क्या आपका राशन के लिए जैसे कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है, मतलब कैसे स्टोरी उन तक पहुँची? देखिए ऐसा होता है कि आदमी का जब कंसेप्ट आता है तो सबसे पहले यहाँ पे एक रूल है हमारे पेटेंट, जिधर कोई भी आदमी टेक्नोलॉजी बनाता है पेटेंट करवाता है, हमारे बॉलीवुड में एक रूल है कि SWA स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर लेता है। तो जैसे ही आइडिया दिमाग में आया उससे कुछ दिन बाद हम जाके एसोसिएशन में गए और रजिस्टर करा लिया, ठीक है। एसोसिएशन में रजिस्टर कराने के बाद होता है कि फिल्म घर पे तो बनती नहीं है, फिल्म बनाने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, राइटर को हायर करना पड़ता है, बहुत लोगों से प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर बहुत टीम खड़ी करनी पड़ती है। तो एक बार एसोसिएशन में रजिस्टर हो जाता है, आदमी बिंदा जाता है, सब लोगों से मिलता है ताकि फिल्म बन सके। तो हमने 2 महीने पहले रजिस्टर किया उनसे, हम मार्केट में गए, राइटर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब आपस में बात की हम लोग, चलो फिल्म बनाई जाए हम लोग ने। अभी उसमें घूमते फिरते कहाँ पहुँच गई, कैसे पहुँची ये मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ अगर राज संडेली जी मेरी बात सुन रहे हैं तो शायद अपनी टीम को खंगालेंगे अगर वो तो। मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मेरे बहुत से लोग आज किसी में भी काम कर रहे हैं, बहुत से लोग मेरे यहाँ से निकल के राज संडेली जी के पास भी है, उनके टीम में भी काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोला कि वो बच्चे लोग यहाँ से गए स्टोरी लेके उनको दे दिया, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, परंतु कहीं ना कहीं पूछेंगे कैसे पहुँचा नहीं पहुँचा ये कोई मतलब ही नहीं है। मतलब एक, हमने उनसे पहले रिसर्च किया, अब ये घूमते फिरते हमने 10 लोगों को सुनाया, घूमते फिरते कैसे हम लोग पास पहुँची उसका कोई कोई मतलब नहीं है। हमारी स्टोरी हमसे पहले रजिस्टर्ड है हमारी, तो हमारा मतलब है कि जब कंसेप्ट हमने रजिस्टर किया है और आपने पूरा उससे ताजमहल खड़ा कर दिया है, एक जो भी लाइन होती है आप फर्जी डॉक्यूमेंट बोल लीजिए जैसे भी कर लीजिए, अगर उस पर कोई फिल्म बनाई जाती है तो उस जायज़ नहीं हो जाएगी।
क्योंकि कंसेप्ट जो है आदमी सोचता है, उस पर डिजाइन करता है, अपने सपने देखता है उसमें, चलो मैं भी फिल्म बनाऊंगा। क्योंकि बॉलीवुड में आते हैं सब लोग एक सपना लेकर आते हैं और उस कंसेप्ट बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं, चलो हम भी फिल्म बनाएंगे। अभी कंसेप्ट ही चोरी हो जाए तो आदमी क्या करेगा। शंडले साहब पे इससे पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे, 2022 में भी लगा, इस तरह का उनका इतिहास वैसा ही रहा है, कॉपी पेस्ट। मैंने भी क्योंकि न्यूज़ में मैं भी हूँ इतने सालों से, तो मैंने भी राजीव शंडले जी का पूरा हिस्ट्री खंगाला है, तो समझ में आया कि ड्रीम गर्ल फिल्म आई थी उनकी, तो उनके ही बचपन के दोस्त अंकुर जो है झांसी से है ना, उन्होंने उन पर केस ठोक दिया है। वो बोले कि जब थिंकपैड के जो ये चेयरमैन थे मिस्टर राज शंडले, तो जाके स्टोरी सुनाई थी उन्हें, तो उन्होंने जाके झांसी में एफ आई आर किया हुआ कि ये स्टोरी मेरी है। सेम जनहित जारी में जो है फिल्म आई उससे पहले उन पर केस हुआ, जो उसी औरत नहीं जाके एफ आई आर हुआ है कि जितेंद्र कुछ ज्ञान चंदानी है और एक नाम और मैं भूला हूँ, उन्होंने जाके एफ आई आर किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं से स्टोरी है, और कहीं ना कहीं से इसका भी विकी विधा का देख रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं से स्टोरी उनका, शायद नेटवर्क इतना बड़ा है कि कहीं से ढाको और फिल्म बनाओ उसको डेवलप करके, तो शायद उनका यही तरीका है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आई नीड टू स्पीक टू द लॉयर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसीजर? आर वी प्लानिंग टू फाइल अ सूट? यू नो द फिल्म इज ऑलमोस्ट ऑन द यू नो एज ऑफ रिलीज। करेक्ट। सो कैसा है, अभी इसमें हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ओरिजिनल आइडिया संजय जी का है, इट्स रजिस्टर्ड ऑल्सो प्रायर इन टाइम, इनफैक्ट इन्होंने टाइटल भी रजिस्टर करके रखा है। अब फिल्म रिलीज हो रही है 11th अक्टूबर को, सो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर द पीसी वी विल बी टेकिंग स्टेप्स टू अप्रोच द हाई कोर्ट, एंड वी हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी that we'll be getting the reliefs. Sanjay ji, did you went to the writer association? उनका क्या कहना है? ये जैसे समझ में आया कि ये कॉपी हो गया है, तो हम लोग गए राइटर एसोसिएशन में, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि ये डिजिटल युग में भी आके वो लोग एकदम बहुत पुराने तरीके से बाबा आदम जमाना के हिसाब से काम कर रहे हैं वो लोग। गए हमने उनको शिकायत दर्ज कराई कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया है, तो बोले हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हमारे प्रोसीजर फिल्म रिलीज होगी, हम फिल्म देखेंगे उसके बाद एक्शन लेंगे। तो मैं बोला सर कि तो ऐसे हो गया, पहले मर्डर होगा उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे तो आज की डेट में काम पॉसिबल नहीं है, डिजिटल युग है, टाइम चेंज हो गया है। अगर आपको करना है, आप 65,000 पे राइटर एसोसिएशन में 65,000 मेंबर है, हर आदमी अपना जाकर वहाँ पे जो कंसेप्ट रजिस्टर कराता है, वो इतना स्लो काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि समाज में बहुत चतुर लोग बैठे हैं, ठीक है, कहीं से कंसेप्ट ढापते हैं, फिल्म बनाते हैं 50 करोड़ 60 करोड़ की, 200 करोड़ बिजनेस करेंगे, फिर जाकर अगर होता भी फिल्म बनने के बाद तो एक 20-25,000 मुआवजा दे देंगे, जो कि राइटर एसोसिएशन में प्रोसेस है कि फिल्म रिलीज होगी, हम देखेंगे, कुछ होगा तो आपको 10-15 लाख 20 लाख दिला देंगे। ये तरीका बहुत पुराना हो गया, मुझे लगता है कि आज टाइम चेंज हो चुका है, आप सब डिजिटल हो चुका है। अगर आपका कोई 65,000 आपके पास मेंबर है, अगर कोई मेंबर आपके ये बोलता है कि यार मेरी फिल्म का कंसेप्ट जो है सेम कॉपी लगा है, तो उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको जो प्रोडक्शन है उनको नोटिस देना चाहिए कि आइए फिल्म दिखाइए हमको पहले, उसके बाद रिलीज कीजिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा राइटर एसोसिएशन को भी अपडेट करने की जरूरत है। अभी टी सीरीज ने आपको नोटिस में क्या कहा है और क्या बोला है? कुछ नहीं, पहले बोले कि ये कंसेप्ट हमारा अपना ओरिजिनल है, और बाद में शायद उनको समझ में आया कि नहीं यार ये तो काफ़ी स्टोरी हो गई है, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारा जो है उससे पहले 27 अक्टूबर 2015 को रजिस्टर्ड है, लेकिन अब मैं ये पेपर सबमिट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि हमारी स्टोरी उनसे भी 2 महीने पहले रजिस्टर है, अब क्या कहना है, और ये मीडिया काम है इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। As I asked the lawyer also, I'm asking the same question to you. Are you in planning to file a suit? You know, क्योंकि बहुत बहुत कम वक्त रह गया है, और अगर आप क्या आप स्टे लेना चाहेंगे टू बोथ ऑफ यू, क्या फिल्म पे स्टे लेना चाहेंगे रिलीज पे, टू द लॉयर एंड संजय बोथ ऑफ यू? मेरे पास अब 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि मैं प्रूफ कर चुका हूँ अभी डॉक्यूमेंट दिखा कि मेरे पास 2 महीने पहले रजिस्टर्ड है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि मैं सदन से हाईकोर्ट जाऊँ और स्टे लूँ। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि 50-60 करोड़ फिल्म लगी पैसे लगा चुके हैं वो लोग, है तो ये बिल्कुल फर्जी पेपर है, लेकिन इसमें काफ़ी नुकसान होगा उनका भी, तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि ठीक है देखते हैं क्या होता है, वो खुद रियलाइज़ करें, डॉक्यूमेंट मीडिया उसको हैंडल करें, कैसे हैंडल करेगी, कैसे उनको समझाएगी भाई क्या है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं अपनी जिंदगी में बिजी हो जाऊँ फिर से, और अभी फिल्म पर काम करूँ और मीडिया में प्रूफ कर चुका हूँ, तो अब दोनों ऑप्शन ओपन है मेरे पास, वो अभी 1-2 घंटे डिसीजन लेंगे हम क्या करें,
फाइल शूट करें बट कहीं ना कहीं सर अगर हम देखें एज अ राइटर प्रोस्पेक्टर से तो ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं अगर एक राइटर का पोजीशन कम निचले स्तर का रहे तो कहीं ना कहीं दब जाते हैं बट आपके पास राइट और अथॉरिटी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू अनदर बिल्कुल सही बात में तो कहीं ना कहीं आपको एक्शन तो लेना ही चाहिए बिल्कुल मैं भी यही बात सोच रहा हूँ लेकिन क्या है कि हमारे इंडस्ट्री में कंसेप्ट को उठा कर कॉपी कर लेते हैं बहुत जल्दी मैं वही बोला था कि राइटर एसोसिएशन बहुत पिछड़े तरीके से काम कर रहे हैं बहुत स्लो काम कर रहे हैं उनको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि राइटर के पास राइटर लोगों के पास इतने पैसे होते हैं कि टी सीरीज और बालाजी से भिड़े है ना क्योंकि टी सीरीज बालाजी ना से अगर नोटिस देना से धमकाते हैं ये लोग नोटिस में बल्कि आपने मानहानि का केस करने का भी डराने का तरीका अपना देखा हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे तो एक गरीब आदमी एक राइटर आदमी जो झोला उठा के घूमता है जो मुश्किल से 5 लाख 10 लाख या 20 लाख कमाता है वो कहाँ से फाइट करने सोचेगा बेचारा चुप हो जाता है ना तो उसकी मीडिया में सुनवाई होती है ना कहीं और होती है लेकिन मुझे लगता है एज ए स्क्रीन राइटर एसोसिएशन उनका काम है ये क्योंकि 65,000 लोअर स्टेट मेंबर आपके पास ये उनका काम है कि अपने राइटर्स के लिए फाइट करें अगर पॉलिसी चेंज होती है अभी जमाना चेंज हो चुका है बिल्कुल भी डिजिटल जमाना आ चुका है आप कैसे इसको काम करेंगे आगे कि ये घटना हो फिल्म रिलीज हो उसके बाद एक्शन लें आपको एक महीने पहले एक्शन लें जब जैसे किसी ने कंप्लेन किया आपको तभी एक्शन लेना चाहिए एक गरीब आदमी कभी जाकर फाइट ना अपने से भिड़ेगा ना बेचारा अपने लिए जाकर फाइट कर पाएगा कि वकील को 1 लाख 2 लाख 3 लाख पे कर सके तो चीज़ें से दब जाती है और जो चतुर लोग हैं राजसन डीलर टाइप के लोग वो लोग यहाँ ऐसे कंसेप्ट ढापते हैं उस पर कॉपी करते हैं फिल्म बनाते हैं 50 करोड़ 100 का बिजनेस करते हैं जाके सेटलमेंट कर 10 लाख 15 लाख 20 लाख देकर सेटलमेंट कर देते हैं ये समझना है मीडिया को समझना है कि कैसे इसे कंट्रोल किया जाए प्रोड्यूसर को समझना है राइटर एसोसिएशन को समझना है इस पर और इस पर काम करने की जरूरत है क्या आपको नहीं लगता कि जावेद अख्तर